What's up YouTube? Welcome back to another vlog on our channel Finish on Wheels. आज है day 4. We are starting from Shimla. Shimla to Chittoor. हाँ, आज हम जा रहे हैं Chittoor and this is the hotel that we stayed last night, Hotel Sunrise. और interesting तो अभी जा रहे हैं payment करने क्योंकि हुआ नहीं. And पूरा सामान ऐसे लादा हुआ है. ये गाड़ी नहीं, हमारा घर है. यहाँ खाने का सामान, यहाँ बॉटल्स, यहाँ पे डीजल कैरी करने का एक्स्ट्रा रेमेडीज कैनिस्टर. कमेंट्स में ज़रूर बताना ये मिनियन वाला जैकेट मेरे पे कैसा लग रहा है. एंड वन थिंग, ये वही होटल का कैफेटेरिया है एंड यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है. सामने लोरेटो पार्क ब्लॉक, नहीं सॉरी, लोरेटो कन्वेंट स्कूल है. बच्चे यहाँ पे कराटे कर रहे हैं. मतलब स्कूल की सारी मेमोरीज ना ऐसे ताज़ा हो जा रही है देख के. मैं काफ़ी देर से इनको ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ बैठ के देख के. सो भैया, इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. शिमला से कभी भी आप निकलो, प्लीज स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदा जाम लगता है. एज यू कैन सी आई एम स्टक. कल भी 2 किलोमीटर कवर करने में मतलब 1 घंटे के आसपास लग गया, आज भी वैसे ही हो रहा है. आज तो हमारा डेस्टिनेशन Chittoor है, इट्स अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको पहुँचने में वहाँ पे. एक अभी डाइवर्शन आने वाला है, एक रास्ता जा रहा है नालडेरा की तरफ, हम जाएंगे कुफरी नारकंडा वो वाले रोड पे, मतलब ऊपर की तरफ. तो ये हम पहुंच गए हैं नारकंडा. यहाँ से रेकोंग व्यू है 166 बक्स, बट उस साइड हम अभी नहीं जाएंगे, हम सांगला की तरफ जाएंगे. तो आज गौ माता ने ठान लिया था कि रास्ता नहीं छोड़ना है, बट हमको तो निकलना था. नारकंडा को जस्ट हम 1 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए हैं, बट इसका जो ब्यूटी है एंडलेस है. है ना सुंदर ये जगह. अभी कुछ अच्छा सा व्यू पॉइंट मिले तो हम लोग रुकेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे.
तो रोड्स अच्छी थी, अभी धीरे धीरे रोड्स खराब भी हो रही है और पतली भी हो रही है। नाउ एक्चुअली द गेम इज बिगिनिंग। मजा तो अब आने वाला है। And here thunder justifying its name. कप नूडल्स अंदर गो। तो हम लोग जो है किन्नौर में एंटर कर चुके हैं कुछ 2 किलोमीटर पहले। अब यहाँ पे पहाड़ भी देखिए आप एलिवेशन का। रास्ते और पतले होंगे, पहाड़ के साइज और बड़े होंगे। झरने के नीचे खड़ा हूं अभी। और ये शानदार नजारा, ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। इतना शानदार जबरदस्त झरना, ऐसा एक्सपीरियंस तो सभी चाहेंगे करना, परंतु शायद ही किसी को मिले। वाओ क्या शानदार। कुछ बढ़िया से शॉट्स लेने के बाद अभी कुछ फोटोज का टाइम है। तो काफी तरह से फोटोज नहीं की, जैसे वीडियोस और रील्स पे बने हम लोग। सो अभी जो है हम किन्नौर के फर्स्ट चेक पोस्ट पे पहुंच गए और यहाँ पे एंट्री करके आगे जाना पड़ता है। सामने एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे शायद वो एंट्री करा के आगे निकलना पड़ेगा अपने को। सो दिस इज़ दैट फेमस प्लेस ऑफ किन्नौर, जहाँ पे हर कोई आके, हर ब्लॉगर, हर फोटोग्राफर आके रुक जाता है। पहाड़ काट के टनल जैसा रास्ता। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट नीचे देखने से डर लगेगा। ये सीन देख के तो पूरा दिल दहल गया। मतलब पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे या होंगे भी कि नहीं। प्लीज ड्राइव सेफ।
सांगला इज 18 एंड चितकुल इज 42 तो फिलहाल के लिए हम लोग चितकुल नहीं जा रहे हैं, पता नहीं देखते हैं। नहीं नहीं सांगला जा रहे हैं। ये जेएसडब्ल्यू का यहाँ पे डैम है, यहाँ पे तो ना फोटो शूट रील शूट अभी सब चालू है। मैंने बचपन में एक हिंदी हमारा बुक था उसमें ये पढ़ा था कि यहाँ पे औरतें अपने हाथों से पत्थर का तोड़ने का काम करती हैं, एंड आज वो देख भी लिया लाहौल स्पीति में। This is the way to Sangla. तो जो मेन रूट था वो किसी का अनवश बंद है तो we have to take the bypass. ये वाला रूट जो है काफ़ी समझदारी से आपको हर एक मूव का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड वन रॉन्ग मूव एवरीथिंग इज फिनिश्ड। एकदम बहुत ध्यान रखिए कभी भी आप ड्राइव करो। व्हाट अ टेरेन, मतलब ड्राइविंग का सही से मज़ा आज पहली बार आ रहा है यहाँ पे इस गाड़ी पे। हर एक जगह अलग अपना अलग टेस्ट है, हाईवे का भी है और पहाड़ों का भी है।
Currently we are entering Sangla. तो सांगला हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जल्द से जल्द होटल होटल ढूंढना है लाइट गिरने से पहले. यहाँ पे मार्केट भी है अच्छा सा. हाँ quite unexpected. हम लोग को इधर एक ही होटल मिला है जो कि है सांगला वैली वेंचर्स. दिस इज आवर स्टे फॉर द नाइट. और ये आ रहा है थंडर. ब्यूटीफुल व्यू. ये जो है सांगला वैली होटल का रूम है आज हमारा रात के लिए. और यहाँ का जो व्यू है स्नो कैप माउंटेन्स ये हमारा व्यू. इतना अच्छा व्यू एक्सपेक्टेड नहीं था बट बहुत ही अच्छे बजट में अच्छा होटल हमको मिल गया यहाँ पे आज के लिए. तो ये जो है सांगला मार्केट है. अभी मोमो की तलाश में हम लोग एक कैफे में आए हैं. पहले मोमो खाएंगे फिर कुछ मीठा खाएंगे. आज दिन भर कुछ अच्छा सा नहीं खाया तो खा के फिर होटल में जाएंगे फिर खाना खाएंगे फिर सोएंगे. तो बढ़िया सा मोमो मिल गया यहाँ पे. एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ. कैसा है? अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट. एकदम वाओ कॉम्बिनेशन. ये कभी भी सांगला आओ यहाँ पे कैफे हाउस टिबेटियन ये कैफे है. मोमो ज़रूर टेस्ट करना यहाँ पे. After successfully gulping the momos, amazing momos, now it's time for some sweet tooth. ये बेकरी है सांगला में. Let's go and check out. What do you get? Very beautiful. Very. So finally, I got my chocolate. Truffle मिल गया इसको मेरे को अपना कस्टर्ड पुडिंग. मैं आई इट पुडिंग फर्स्ट. Eat what? क्योंकि जो तेरा है बट जो मेरा है वो तेरा नहीं ऐसा लगता है.